हाय, हेलो, हाय हाय, केम छो, हाउ आर यू, कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप सब मस्त है, मैं भी मस्त हूँ। तो अपन ने अभी एसएस कंप्लीट कर लिया, एक बार सुन लेना, वो फाइनल के लिए भी इम्पोर्टेंट है और सीए इंटर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, दोनों के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अभी जो मैं चैप्टर्स डाल रहा हूँ, अदर चैप्टर्स, वो सिर्फ मैं सीए इंटर के लिए डाल रहा हूँ, तो अभी फाइनल वाला कोई है तो वो मत देखना, ठीक है? अभी सिर्फ और सिर्फ सीए इंटर का सीरीज़ है, ठीक है? तो आज हम करेंगे ऑडिट ऑफ बैंक्स, ठीक है? चलो, तो कौन सा कर रहे हैं आज? ऑडिट ऑफ बैंक्स। अभी इसमें मैं पास्ट पेपर्स ही कवर कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है? चलो, तो लेट अस स्टार्ट विद ऑडिट ऑफ बैंक्स। मिस्टर ए अप्रोचेस अ बैंक फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर हिज अपकमिंग प्रोजेक्ट। द बैंक मैनेजर आफ्टर वेरीफाइंग प्रपोजल इज एग्रीएबल टू फाइनेंसिंग मिस्टर ए बट आस्क फॉर द सिक्योरिटी टू बी ऑफर्ड टू बैंक। डिस्कस द नेचर ऑफ सिक्योरिटीज टू बी ऑफर्ड टू द बैंक, ठीक है? तो क्या क्या सिक्योरिटीज देते हैं अपन? दो टाइप का, प्राइमरी और कोलेटरल। बोलो, प्राइमरी और कोलेटरल। प्राइमरी मतलब जिसके अगेंस्ट अपने को लोन मिलता है, और कोलेटरल मतलब एडिशनल, ठीक है? देखो, रेफर्स टू सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय द बोरोअर फॉर बैंक फाइनेंस और द वन अगेंस्ट विच क्रेडिट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय। और कोलेटरल मतलब क्या? एडिशनल सिक्योरिटी। इट कैन बी इन एनी फॉर्म, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल। एग्जाम्पल्स ऑफ मोस्ट कॉमन टाइप्स क्या क्या रखते हैं भाई गिरवी अपन? तो पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ गारंटर देते हैं, गुड्स रखते हैं, स्टॉक रखते हैं, डेटर्स, ट्रेड रिसीवेबल, दोनों अलग होते हैं, गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, बुलियन, इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लांटेशन फॉर एग्रीकल्चर एडवांस, ठीक है? अपने झाड़ जाके गिरवी रख रहे हो। थर्ड पार्टी गारंटीज, बैंक जनरल लीन, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज, स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है? क्या क्या? पर्सनल सिक्योरिटी, गुड्स, गोल्ड ऑर्नामेंट, इमूवेबल प्रॉपर्टी, प्लांटेशन, थर्ड पार्टी गारंटी, बैंक जनरल लीन, LIC और स्टॉक। बैंक रिकॉग्नाइज इनकम ऑफ एनपीए ऑन अक्रूअल बेसिस। अरे, एक्चुअली रिसीव्ड बेसिस के ऊपर होता है ना एनपीए। फिर द ऑडिटर शुड एग्जामिन द एफिकेसी ऑफ वेरियस इंटरनल कंट्रोल्स ओवर एडवांसेस टू डिटरमाइन द एनटी ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर। डिस्कस ब्रीफली। चलो, अभी अपने को क्या करना है? इवेल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस। किसके अगेंस्ट है ये? दिख रहा है कुछ? ठीक है, तो इवेल्यूएशन ऑफ क्या बोलते हैं, इंटरनल कंट्रोल ओवर एडवांसेस। तो अभी समझो बैंक एडवांस दे रहे, उसके पहले क्या क्या करेगा? पहले तो उसका औकात चेक करेगा, तो क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द बोरोअर। फिर ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स लेगा भाई, जैसे प्रॉमिसरी नोट्स, एग्रीमेंट्स, डिमांड, ये वो। कंप्लायंस विद टर्म्स ऑफ सेंक्शन करेगा। एक सफिशेंट मार्जिन देगा, कभी भी 100% लोन नहीं देगा, 70% देगा, 60% देगा, ठीक है? फिर सिक्योरिटीज टेकर इन नेचर ऑफ शेयर्स एक्सेट्रा, तो ओनरशिप ट्रांसफर करा के लेगा अपने नाम पे। फिर ऑल सिक्योरिटीज रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन शुड बी रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ बैंक। फिर ड्रॉइंग पावर का पॉइंट्स है, तो ड्रॉइंग पावर शुड बी अपडेटेड एवरी मंथ। फिर ड्रॉइंग पावर द अकाउंट शुड बी केप्ट विद इन बोथ ड्रॉइंग पावर एंड सेंक्शन लिमिट, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैंने क्या बोला, लाइक ज्वाइन करो फिर। फिर ऑल अकाउंट्स विच एक्सीड द सेंक्शन लिमिट और ड्रॉइंग पावर, ठीक है, तो उसको नोटिस में, ब्रॉट टू द नोटिस लाना है, और ऑपरेशन साल में एक बार तो चेक करना। तो क्या पॉइंट्स क्या लिखा? देखो, 5 पॉइंट्स लिखना है, तो CDCS लिख लेना, क्रेडिट वर्दीनेस, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, फिर कंप्लायंस विद टर्म्स और सफिशेंट मार्क। 4 पॉइंट हो गया। अभी ड्रॉइंग पावर का 2-3 पॉइंट लिख देना। तो ड्रॉइंग पावर का क्या था? पहला तो ड्रॉइंग पावर हर मंथ अपडेट करना है, फिर अकाउंट्स वो ड्रॉइंग पावर और सैंक्शन लिमिट के अंदर रखना है, और अगर वो बढ़ रहा है, मतलब ड्रॉइंग पावर के ऊपर दे रहे हैं अपन, तो वो नोटिस में लाना है, ठीक है? एक्सिट कर रहा है तो, और ऑपरेशन साल में एक बार चेक कर, वैसा 6-7 पॉइंट लिख देना। क्या? CDCS, क्रेडिट वर्दीनेस, डॉक्यूमेंट्स, फिर कंप्लायंस विद टर्म्स, और फिर SS सफिशेंट मार्जिन, और फिर ड्राइंग पावर का 3 पॉइंट, और फिर ये एक बार तो साल में अपने को चेक कर। समझा तुमको? सिंपल है, बैंक्स है ना,
देखो बैंक्स ऐसा चैप्टर है, तुमको दो बार रीड करना है, क्वेश्चन समझ में आए नहीं आए मतलब आंसर, ठीक है। जो ये भी एक एलडीआर है, ठीक है। बेसिक स्टैंडर्ड सेट फॉर एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, ठीक है। गवर्नमेंट कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहा है तो उनको क्या बेसिक स्टैंडर्ड ध्यान में रखना है? तो ऑडिट्स ऑफ, पहला क्या है, ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स, बोलो तो, ऑडिट ऑफ रूल्स एंड ऑर्डर्स। फिर ऑडिट ऑफ सेंक्शन, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड, फिर प्रोप्राइटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। अभी रूल्स एंड ऑर्डर्स क्या होता है, एक्सपेंडिचर इनकम कन्फर्म्स द रेलेवेंट प्रोविजन, ठीक है। फिर ऑडिट ऑफ सेंक्शन, सेंक्शन कैसा होना चाहिए, अप्रूवल से होना चाहिए, जनरल होना चाहिए या तो स्पेसिफिक होना चाहिए। फिर ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स, तो देर शुड बी प्रोविजन ऑफ फंड्स आउट ऑफ विच एक्सपेंडिचर कैन बी इनकर्ड एंड द सेम हैज़ बीन ऑथोराइज बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। प्रोप्राइटरी ऑडिट, ऑडिट मतलब क्या, द एक्सपेंडिचर इज ड्यू रिगार्ड टू ब्रॉड एंड जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, ठीक है। और परफॉर्मेंस ऑडिट मतलब क्या, द वेरियस स्कीम्स, प्रोग्राम स्कीम्स, प्रोजेक्ट वेर लार्ज एक्सपेंडिचर हैज़ बीन इनकर्ड आर बींग इकोनॉमिकली डन एंड यील्डिंग रिजल्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है। अंधाधुंध खर्चा नहीं करते जाना। प्रोप्राइटरी ऑडिट मतलब अपने पैसे के हिसाब से थोड़ा संभाल के यूज़ करना है। क्या क्या, ऑडिट अगेंस्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, ऑडिट अगेंस्ट, ऑडिट ऑफ सेंक्शन, ठीक है, ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड्स, प्रोप्राइटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। ये क्या रैप कर रहे हैं आप सर, रैप रैप कर रहे हैं मतलब क्या, रूल्स एंड ऑर्डर्स, ऑडिट ऑफ सेंक्शन, ऑडिट ऑफ प्रोविजन ऑफ फंड, परफॉर्मेंस ऑडिट, प्रोप्राइटरी ऑडिट, ठीक है। चलो ये भूलेगी ही नहीं वैसे भी, फिर भी रूल्स एंड ऑर्डर्स, ऑडिट ऑफ सेंक्शन, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स, प्रोप्राइटरी ऑडिट, परफॉर्मेंस ऑडिट। फिर वापस करेक्ट इनकेड, ऑडिटर ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक इज टू बी अपॉइंटेड एट एजीएम ऑफ शेयर होल्डर। भाई ये बैंक का ऑडिटर है भाई, तो इसका कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करता है और अप्रूवल किसका रखता है, आरबीआई का रखता है, ध्यान में रखना, ये एमसीक्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि नहीं, तुम लोगों पूछ रहे कि बता। अच्छा, यू आर अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ बैंकिंग कंपनी सत्यानाश, ओ सो, एंड होल्ड डिस्कशन विद एंगेजमेंट टीम, लिस्ट आउट द मैटर्स विच यू डू, अरे लिस्ट आउट द मैटर्स विच यू वुड डिस्कस एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ एन ऑडिट टू गेन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंक एंड, ठीक है। तो कौन से मैटर अपन प्लानिंग स्टेज पे ध्यान रखेंगे बैंक का ऑडिट करते टाइम? तो देखो दो चीज का अपने को डर रहता है, एक एरर का, एक फ्रॉड का। तो एरर दैट आर मोर लाइकली टू अकर, एरर विच हैव बीन आइडेंटिफाइड इन प्रायर ईयर्स, ठीक है। एक तो जो होने वाला है और जो हो चुका है, मेथड्स बाय विच फ्रॉड माइट बी प्रिपेटेड बाय बैंक पर्सन विद इन पर्टिकुलर अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर। फिर ऑडिटर ने रिस्पॉन्स क्या किया हो उसका, नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल स्क्रिप्टिसिज्म, नीड टू अलर्ट फॉर इंफॉर्मेशन और अदर कंडीशन दैट इंडिकेट्स मटेरियल मिसस्टेटमेंट डेट हैव अकर्ड, ठीक है। तो देख दो चीज का डर है, एरर का, फ्रॉड का। एरर पहला हो चुका है, सॉरी जो होने वाला है, लाइकली टू अकर, और जो हो चुका है, ठीक है। फिर मेथड, एक बीच में पॉइंट क्या है, मेथड कैसे किया था भाई, ऑडिटर तूने क्या रिस्पॉन्स रखा, ठीक है, ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्स था। और लास्ट में दो पॉइंट कौन सा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, एक तो नीड टू रखना है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और नीड टू अलर्ट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म भी रख। अभी क्या वापस एरर दो क्या था, लाइकली टू अकर, ठीक है, प्रायर ईयर्स, मेथड, ऑडिटर तूने क्या रिस्पॉन्स लिया, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म और नीड टू अलर्ट टू द इन्फॉर्मेशन। मिस्टर पुयूष बैंक मैनेजर डेवलप्स अ कंट्रोल टू एड इन मैनेजिंग की बिजनेस डिसीजन एंड फाइनेंशियल रिस्क, डिस्कस वेरियस रिक्वायरमेंट्स फॉर एन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इन द बैंक। भाई ये मेरे को एकदम एलडीआर बवाल, एलडीआर ATC स्पेशल बोल लो, जो भी बोल लो लग रहा है, ठीक है, बस लगता है तो लगता है, पूछने का नहीं, ठीक। क्या, डिस्कस वेरियस रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक, ठीक है। तो पहला क्या है, ओवरसीट एंड दो एक्टिविटीज़ है, कंट्रोल एक्टिविटीज, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज। फिर
देखो मैं डायरेक्ट कोड से बता दूं क्या, CMROI मैंने कोड बनाया है, रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट करना है अपने को, ठीक है। तो दो एक्टिविटीज़ का पार्ट, कंट्रोल एक्टिविटीज़, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़। फिर ROI में क्या आएगा, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओवरसेट इन इन्वॉल्वमेंट इन कंट्रोल प्रोसेस बाय TCWG, और I से क्या, आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, डिस्कस वेरियस रिक्वायरमेंट फॉर इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट इन बैंक सिस्टम। ये मसाला तुम लोग एक एक बार पॉज करके रीड कर लेना, इतना खास नहीं, मेन हेड पॉइंट्स है इसमें। तो कंट्रोल एक्टिविटीज़, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़, फिर आर से क्या आएगा, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो रिलायबल होना चाहिए। फिर ओवरसाइट एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन कंट्रोल प्रोसेस बाय TCWG, भाई ये लोग कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं। फिर आई से आइडेंटिफाइंग मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क। चलो वापस जा, CMROI, दो एक्टिविटीज़, कंट्रोल एक्टिविटीज़, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़। तुमको क्या लगा मैं लिखेगा पूरा? फिर आर से क्या आएगा बोलो, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या आएगा, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओ से ओवरसाइट, ठीक है, TCWG का रिलेटिंग टू कंट्रोल, और आई से आइडेंटिफाइंग मेजरमेंट और मॉनिटरिंग द रिस्क, ठीक है। तो ये चीज़ से अपना क्या होगा, इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम होगा बैंक में। कंट्रोल एक्टिविटीज़, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़, रिलायबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ओवरसाइट इन कंट्रोल बाई TCWG, और आइडेंटिफिकेशन मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ रिस्क, ठीक है। भूलना नहीं, तुझे भूल जाना जाना, ठीक है। देर इज़ नो डिफरेंस इन प्रोविजनिंग ऑफ NPA एज रिगार्ड टू कैटेगरीज ऑफ NPA, ठीक है। वेदर द डेट इज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, क्रिटिकली, कौन सी कली, क्रिटिकली इवेल्युएट द स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन नॉर्म्स ऑफ NPA ऑफ नेशनलाइज बैंक। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कितना है सब स्टैंडर्ड, ठीक है। एक स्टैंडर्ड भी होता है, उसमें अपन 0.5% करते हैं, पता है, अकाउंट जिसका रहेगा उसको पता रहेगा, 0.4% करते हैं अपन स्टैंडर्ड एसेट्स में, और वो एग्रीकल्चर और इसका रहेगा तो 1% करते थे, याद है क्या, कुछ ऐसा धुंधला धुंधला क्या, सब स्टैंडर्ड सब कैट, अभी डाउटफुल में सब इयर्स या मोर देन 3 इयर्स, अनसिक्योर्ड रहेगा तो पूरा ही 100% कर देने का, ठीक है। फिर ये कोई भी कैटेगरी में हो, ठीक है, चलो पढ़ लेते क्या होता है सब स्टैंडर्ड एसेट, मतलब क्या,
अभी क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, वेरीफाई करना है प्रोविजन क्रिएटेड बाय बैंक, ठीक है, कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल में या एनपीए में बराबर क्लासिफाई किया गया, ठीक है। एक्सप्लेन एडवांस अंडर कंसोर्टेरियम इन कंटेक्स्ट ऑफ प्रूडेंशियल नॉर्म ऑन इनकम रिकग्निशन, ठीक है। अभी कंसोर्टेरियम एग्रीमेंट क्या होता है, ठीक है, समझो मैं बैंक से लोन लेने गया, मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो एक बैंक दे पाएगा 1,000 करोड़ लेने जा रहा हूँ, नहीं, दो तीन बैंक मिलके सोचा कि इसको लोन देंगे, तो जो बैंक लोन देता है वो लीड बैंक रहता है, ठीक है, और बाकी सब अदर मेंबर्स रहते हैं, ठीक है। अभी कंसोर्टेरियम के केस में क्या चेक करिए, समझो मैंने डिफॉल्ट कर दिया पेमेंट में, तो अभी एनपीए क्लासिफाई होगा, तो ये लोग के बुक्स में, मतलब लीड बैंक के बुक्स में, मैं ये प्रैक्टिस इधर लिखा नहीं है, बट लीड बैंक जो क्लासिफाई करता है ना एसेट को, वैसे ही सेम टू सेम क्लासिफाई अदर मेंबर्स करेंगे, तो इसके बुक में एनपीए रहेगा तो ये भी अपने बुक में एनपीए लिखेगा, ठीक है। ये मैंने एडिशनली बताया, इसमें तो क्या लिखा है कि वेयर द रेमिटेंस बाय बोरोवर अंडर कंसोर्टेरियम आर नॉट पूल्ड विद वन एंड और वेयर द बैंक रिसीविंग रेमिटेंस इज नॉट पार्टिंग विद द शेयर ऑफ अदर बैंक, द अकाउंट शुड बी ट्रीटेड एज नॉट सर्विस्ड इन द बुक्स ऑफ अदर मेंबर बैंक एंड एनपीए, ठीक है। तो मैंने जो बोला वो ज़्यादा अच्छा लिखा था, लो लिखने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर द बैंक पार्टिसिपेटिंग कंसल्टेंट देयरफॉर नीड टू अरेंज टू गेट देयर शेयर ऑफ रिकवरी ट्रांसफर फ्रॉम द लीड बैंक, ठीक है, और फ़ायदा हुआ तो ये इससे उतना प्रोपोर्शनल ट्रांसफर कर लिया, एंड गेट एन एक्सप्रेस कंसेंट फ्रॉम द लीड बैंक फॉर द ट्रांसफर ऑफ देयर शेयर ऑफ रिकवरी टू एंश्योर प्रॉपर एसेट क्लासिफिकेशन इन देयर रिस्पेक्टिव बुक्स, ठीक है। अभी ये क्या है, अनलिमिटेड हैज सेंक्शन क्रेडिट लिमिट बाय XYZ फॉर 1 करोड़, ड्रॉइंग पावर है 80 लाख, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज 7 लाख, इंटरेस्ट चार्ज इज 3.5 लाख, एंड टोटल क्रेडिट अब तक कितना है, 2.5 लाख किया है। चलो एज एन ऑडिटर हाउ वुड यू रिपोर्ट, तो इसको अपन क्या मान लेंगे, आउट ऑफ ऑर्डर, क्या मान लेंगे, आउट ऑफ ऑर्डर। आउट ऑफ ऑर्डर कभी मानते जब भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस, क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस कंटिन्यूसली एक्सेस रहता है ड्रॉइंग पावर से, ठीक है, अपना ड्रॉइंग पावर कितना, 80 लाख, उससे भी 7 लाख और अपन ने ले लिया, अरे बाप रे बाप रे, ठीक है। तो इन दिस केसेस वेयर आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन प्रिंसिपल इज लेस देन सेंक्शन लिमिट बट देर आर नो क्रेडिट कंटिन्यूसली फॉर पीरियड ऑफ 90 डेज, ठीक है, 90 डेज से तुम्हारे मतलब क्रेडिट ही नहीं हो रहा है बैंक को पैसा, आ दे ही नहीं रहे सामने वाला, और इतना छोड़ प्रिंसिपल तो छोड़ ही दो, इंटरेस्ट भी नहीं रिकवर होएगा, देख क्रेडिट आर देर बट आर नॉट इनफ टू कवर इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम एंड दैट इज शुड बी ट्रीटेड एज, मतलब क्या, एक तो रिमेन कंटिन्यूसली ले रहा है आउट, मतलब जो भी अपना ड्रॉइंग पावर है उससे ज़्यादा, और 90 डेज तक कुछ क्रेडिट नहीं हुआ तो क्या आउट ऑफ ऑर्डर, और इतना चिंदी हो गया कि इंटरेस्ट भी नहीं रिकवर हो गया, ठीक है। अभी ये लोग ने एक अज्यूम किया है अमाउंट कि भाई 75 लाख करके कैलकुलेशन मारे, तो वो बोलते हैं कि भाई ऑलरेडी अपना 7 लाख ओवर एंड अबव है, तो बोलते हैं कि रिपोर्ट करना पड़ेगा एज एन आउट ऑफ ऑर्डर, इन अकाउंट आर नॉट सफिशेंट टू कवर इंटरेस्ट भी, ठीक है, प्रिंसिपल छोड़ो इधर इंटरेस्ट के लाले पड़ रहे, 7 लाख तो और आउटस्टैंडिंग है, समझा, ये 75 लाने की कोशिश मत करना, ये रैंडम एग्जाम्पल है भाई। अभी इन अ बैंक ऑल अकाउंट शुड बी कैप्ट विद इन ड्रॉइंग पावर एंड सेंक्शन लिमिट, ठीक है, द अकाउंट्स विच एक्सीडेड द सेंक्शन लिमिट शुड ब्रॉट टू द नोटिस, एनालाइज द फॉलोइंग पॉइंट्स, इसमें ये लोग का ड्यूटी क्या क्या रहेगा, तो बैंक का क्या ड्यूटी रहेगा बताओ, ठीक है, पहला तो वर्किंग कैपिटल आर कवर्ड बाय एडिक्वेसी ऑफ करंट एसेट, ठीक है, फिर जो कैलकुलेशन हम करेंगे ड्रॉइंग पावर का वो करंट स्टॉक स्टेटमेंट, ठीक है, उसके हिसाब से, और ये स्टॉक स्टेटमेंट कितना जूना रहना चाहिए, 3 महीने से जूना नहीं रहना चाहिए, शुड नॉट बी ओल्डर देन 3 मंथ्स, ठीक है, और अगर है तो उसको क्या मान लेंगे, डीम्ड एज इरेगुलर, क्या मान लेंगे, तो बैंकर का ड्यूटी क्या है भाई, भाई बैंकर का करंट स्टॉक स्टेटमेंट के हिसाब से अपने को देने का, और वो 3 महीने से जूना नहीं होना चाहिए, और 3 महीने से बियॉन्ड है तो उसको इरेगुलर मान लेंगे,
अभी ऑडिटर का क्या कंसर्न रहेगा? तो भाई बैंक ने क्वार्टरली रिटर्न प्रॉपरली फाइल किया है कि नहीं, स्टेटमेंट प्रॉपरली फाइल किया है, एनुअल रिपोर्ट प्रॉपरली फाइल किया है कि नहीं। देख, क्वार्टरली स्टेटमेंट अदर स्टेटमेंट शुड बी स्क्रूटिनाइज, एनुअल रिपोर्ट शुड बी स्क्रूटिनाइज, मंथली स्टॉक स्टेटमेंट शुड बी कंपेयर्ड, और अगर रीजंस है तो उसका डिविएशन भी बताना। फिर कंप्यूटेशन ऑफ ड्रॉइंग पावर, तो वो एज पर अपना क्या बोलते हैं, गाइडलाइंस है कि नहीं। गाइडलाइंस किसका? फॉर्मुलेटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिस्पेक्टिव बैंक, एग्रीड बाय स्टैचुटरी ऑडिटर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिटर मिलके एक गाइडलाइंस बताएंगे ड्रॉइंग पावर के लिए, उसके हिसाब से है कि नहीं वो अपने को चेक करना है, वेरी इजी। और स्टॉक ऑडिट, अगर किसी का स्टॉक ऑडिट किसको एप्लीकेबल है, 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सपोजर है तो किसको? शुड बी कैरिड आउट बाय द बैंक फॉर ऑल अकाउंट्स हैविंग फंडेड एक्सपोजर ऑफ मोर देन 5 करोड़, ठीक है। और कोई चीज़ में ऑडिटर को लगता है 5 करोड़ से कम भी कराना है तो कर सकते, ऑडिटर कैन ऑल्सो एडवाइज द लीड बैंक अगर उसको लगता है तो, ठीक है। और कंजोर्टेरियम के केस में अपन सामने वाले का स्टेटमेंट चेक करके मैच कर, समझा? और मेन स्टॉक ऑडिटर अलग होता है, ठीक है, एक मतलब एक अलग से भी स्टॉक स्टॉक ऑडिटर होता है, तो उसने अगर कोई रिपोर्ट दिया ना तो वो भी उसका कैलकुलेशन और वो सब अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो स्टॉक ऑडिट में क्या है, 5 करोड़ से ज़्यादा एक्सपोजर है तो करना है, ऑडिटर और भी अपने को गाइड कर सकते हैं। फिर कंजोटेरियम के केस में क्या है वो चेक करना है, और स्टॉक ऑडिट रिपोर्ट रहेगा तो वो चेक करना है। ये मस्त सम है, कंप्यूट ड्रॉइंग पावर इन कैश क्रेडिट अकाउंट फॉर द मंथ ऑफ मार्च, ठीक है। तो अभी ये क्या है, स्टॉक है, डेटर्स है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है, सेंक्शन लिमिट है, मार्जिन ऑफ मार्जिन स्टॉक का कितना है 20%, और डेटर्स का कितना है 50%। डेटर्स जो 3 महीने से जून है वो इनएलिजिबल। अभी इसमें 5,000 है वो देखो 17-21 अपना ये है, तो ये 3 महीने से जून है। तो भाई अभी स्टॉक स्टॉक जो रहता है अपन उधार पे लेते हैं, किस पे लेते हैं उधार, तो 50,000 का अपना स्टॉक है। चलो एक स्टॉक का कैलकुलेट करते, एक डेटर्स का कैलकुलेट करते, एक टोटल मारते, ठीक है। स्टॉक का कितना है 50,000, उसमें से अपन ने क्रेडिटर को चुका देंगे 15,000, तो बचेगा कितना 35,000। मार्जिन ऑफ स्टॉक कितना है 20%, तो 35 का 20% माइनस करके कितना आ जाएगा 28,000। डेटर्स का कितना है 50,000, लेकिन उसमें से इनएलिजिबल कितना है 5,000, सॉरी डेटर्स कितना है 45,000, उसमें से इनएलिजिबल कितना है 40,000, तो माइनस 50% है इसके केस में, तो कितना आ जाएगा 20,000। टोटल कितना आ गया 48,000, अपने को कितना सेंक्शन करना है 45,000, तो विच एवर इज लोअर, तो कितना सेंक्शन करेंगे 45,000। अरे समझा कि नहीं, बहुत सिंपल समझा, ऐसा समाया तो बल्ले बल्ले करने को। ये देखो स्टॉक में से 15,000 निकाला, 35 माइनस किया 28, डेटर्स का 45 में से 5 हटाया 20, 48, सेंक्शन लिमिट इज 45, ड्रॉइंग पावर इज 48, सो डीपी वुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू सेंक्शन लिमिट। सेंक्शन लिमिट से ज़्यादा नहीं हो सकते, सेंक्शन लिमिट एक होता है उसके अंडर ड्रॉइंग पावर। अच्छा, आफ्टर बिकमिंग सीए यू गॉट अ फर्स्ट असाइनमेंट एज एन ऑडिटर ऑफ अ बैंक डीलिंग इन वेरियस टाइप्स ऑफ एडवांसेस। वॉट आर द एरियाज यू विल लुकिंग फॉर ऑब्टेनिंग एसएई फॉर एडवांस बिसाइड स्टडिंग एंड इवेल्युएटिंग। तो ये अपन ने पढ़ा था क्या, एग्जामिन करेगा रिकॉर्डेड अमाउंट्स, एग्जामिन लोन डॉक्यूमेंटेशन, रिव्यू ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिन एग्जिस्टेंस एनफोर्सिबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी, कंप्लाइंस विद आरबीआई नॉर्म, फिर कैरिंग आउट अप्रोप्रिएट एंड, ठीक है। सीडीसीएस ड्राइंग पावर लिख सकता है तुम लोग इधर, ठीक है। एग्जामिन करेगा, ठीक है, फिर लोन डॉक्यूमेंटेशन, ये था ना क्रेडिट वर्दीनेस, लोन डॉक्यूमेंटेशन, वही सब है, सफिशेंट मार्जिन, ड्रॉइंग पावर, ये सब। तो ये भी अलग से रिकॉर्डेड अमाउंट्स, लोन डॉक्यूमेंटेशन, फिर ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिन द इन्फोर्सिबिलिटी वैल्यूएशन, चेकिंग कंप्लायंस आरबीआई नॉर्म्स और अप्रोप्रिएट है। तो इसमें इंग 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 ज़्यादा है, ठीक है, एग्जामिन एग्जामिन एग्जामिन, रिव्यूइंग, चेकिंग और कैरिंग। फिर ये वापस से क्वेश्चन रिपीट हुआ, कितना 15, 25, 40, 100,
फिर डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ एंगेजमेंट टीम डिस्कशन डन एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ द बैंक ऑडिट. ठीक है, आपस में अपना डिस्कशन करेंगे तो उसका फायदा क्या होगा. तो स्पेसिफिक एम्बिशेस शुड बी प्रोवाइडेड ससेप्टिबिलिटी ऑफ बैंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड. ठीक है, फ्रॉड के वजह से कुछ है इन शॉर्ट, तो अपन ने क्या रिस्पॉन्स लेना चाहिए भाई, उस पर स्पेसिफिक एम्फेसिस देना चाहिए. फिर दूसरा क्या है, एक्सपीरियंस टीम मेंबर को लगाना है, किसको, एक्सपीरियंस टीम. और तीसरे पॉइंट में क्या है, रिव्यू करना है अगर कोई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है. तीन पॉइंट क्या क्या है, सेस क्या है, सेस. पहला तो स्पेसिफिक एम्फेसिस देना है फ्रॉड के ऊपर और उसके ऊपर ऑडिटर क्या रिस्पॉन्स करेगा. फिर एक्सपीरियंस टीम मेंबर को लगाना है, किसको, एक्सपीरियंस एंगेजमेंट टीम मेंबर को. और लास्ट में अगर कोई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है तो उसको भी, वो भी रिव्यू करके अपॉइंट कर लेना. ठीक है, तो स्पेसिफिक एम्फेसिस ऑन फ्रेंड. क्वेश्चन क्या था, एडवांटेजेस ऑफ डिस्कशन डन बिटवीन एंगेजमेंट टीम मेंबर एट द प्लानिंग स्टेज ऑफ एनपी. तो स्पेसिफिक एम्फेसिस फ्रॉड की वजह से उसका रिस्पॉन्स. ठीक है, फिर एक्सपीरियंस टीम मेंबर को अपॉइंट करना और रिव्यू करना कि स्पेशलिस्ट का जरूरत है. और ये भाई एलडीआर क्वेश्चन, इसको भी मार्क कर, देखो जो अपने को आया वो भी एलडीआर हो सकता है भाई. ये बहुत मस्त क्वेश्चन है. रामजी लाल एंड कंपनी अलॉटेड, ठीक है, फॉर डिटरमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एडवांस. भाई एग्रीकल्चर एडवांस बच्चा बच्चा पता है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप. ठीक है, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप मतलब क्या, क्रॉप सीजन लॉन्गर देन 1 ईयर. क्या, क्रॉप सीजन लॉन्गर देन 1 ईयर. ठीक है, और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप बहुत हार्ड है, मैं बताएगा, विच इज नॉट अ लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप. ठीक है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप क्या है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप नहीं है. ठीक है, और लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप मतलब क्रॉप सीजन लॉन्गर देन 1 ईयर. ठीक है, अभी एनपीए कभी क्लासीफाई करना है तो लॉन्ग लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के इसमें कितना है, टू क्रॉप सीजन से अगर फंड आउटस्टैंडिंग रह रहे तो. और एक मिनट, क्या हो गया, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में कितना है अगर टू क्रॉप सीजन से ज्यादा रह रहे हैं, मैं उल्टा बोला सॉरी. शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में क्या है, टू क्रॉप सीजन से अगर आउटस्टैंडिंग रहे, और लॉन्ग तो 1 क्रॉप. कैसे याद रखने का, पता है, लॉन्ग होता है लॉन्ग और शॉर्ट. ठीक है, लॉन्ग में एक है, शॉर्ट दो लगेगा ना. हाँ, तो लॉन्ग में अगर एक एक क्रॉप सीजन से ज़्यादा ये रह रहा है और शॉर्ट में अगर दो क्रॉप सीजन से ज़्यादा. ठीक है, और फिर ये दूसरा क्या था क्वेश्चन, अकाउंट्स वेयर देयर इज एरोजन इन द वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉड कमिटेड बाय बोरोअर. ठीक है, सिक्योरिटी की वैल्यू एकदम पानी के भाव की गिर गई तो तुम क्या करोगे, अगर डाउटफुल है तो लॉस. ठीक है, डाउटफुल का भी करोगे अगर वैल्यू 50% से भी नीचे कर, रियलाइजेबल वैल्यू, क्या रियलाइजेबल वैल्यू 50% से नीचे गिर गया, मतलब 100 का एसेट आज उसका 40 भी नहीं आएगा रियलाइजेबल, तो उसको डाउटफुल मार दोगे. क्या, डाउटफुल. और 10% से नीचे गिर गया वैल्यू, क्या, लेस देन है भाई, सब ये भी लेस देन है, लेस देन 10% हो गया. उधर क्या है, लेस देन 50 हो गया, इधर लेस देन 10% हो गया, तो भाई चलो लॉस एसेट कर दो, या तो राइट ऑफ कर दे या तो प्रोवाइड कर दे. ठीक है, तो इधर अपना ऑडिट ऑफ बैंक्स भी होता है खत्म.